दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS को लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और अब UPS लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि केंद्र की NDA कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से 21 साल पहले लागू किए गए न्यू पेंशन स्कीम में रिफॉर्म को मंजूरी दी है। इसके समानांतर केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का ऐलान किया है। बीते दिन शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई और अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू करने का प्लान है। आइए अब जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या क्या फायदे हैं। आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक इस स्कीम से एक नहीं अनेकों फायदे हैं। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार ने बताया कि इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि कर्मचारियों के पास UPS या NPS से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। बता दें कि राज्य सरकार भी इसे अपना सकती है। UPS से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि कब से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकार ने बताया कि NPS की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी UPS सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं UPS, NPS और OPS में अंतर क्या है। केंद्र सरकार की ओर से संभावित रूप से लागू किए जाने वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे, जैसे कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से डियरनेस रिलीफ में हाइक मिलेगी, कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार वालों को पेंशन का 60% गारंटी मिलेगी, साथ ही ग्रेच्युटी के साथ एक मुश्त सुपर एनुएशन का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर लेने पर महीने में 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। भारत की पेंशन नीतियों में सुधार के लिए केंद्र सरकार के प्रयास के बाद 1 जनवरी 2004 को NPS ने OPS की जगह ले ली थी। इस डेट के बाद सरकार सेवा में शामिल होने वाले लोगों को NPS के अंडर रखा गया था। OPS के तहत कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते थे। NPS की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। OPS में भी एक कमी थी, इसमें कोई भी खास भंडार नहीं था। इसी वजह से OPS लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह पाई थी। UPS और NPS में अंतर की बात करें तो पुरानी पेंशन में 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी जाती थी। रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पैसा दिया जाता था। इसमें कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती किए बिना सरकार पूरी पेंशन कवर देती थी। वही अब जो बदलाव किए गए हैं वह है कि चीजों को बाजार की ताकतों के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। OPS के तहत मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। हालांकि NPS और UPS में टैक्स का प्रावधान किया गया है।